वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। आज का व्लॉग है प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, जो कि हमारे लोकल मुकामी MNA हैं और हमारे MNA जो हैं वो मिनिस्टर हैं हसन इकबाल साहब, उनकी मिनिस्ट्री में आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उनसे मुलाकात करने के लिए। तो आज मैं क्योंकि अकेला हूँ, बाकी लोग ज़रा अपने काम में, ऑफिस में इधर उधर मसरूफ थे क्योंकि वर्किंग डे है, तो इस वजह से मैं अकेला हूँ और शादम सोया हुआ था। तो खैर चलते हैं आगे। इस टाइम मैं निकला हूँ घर से और मिनिस्ट्री जा रहा हूँ। रास्ते में मिनिस्ट्री के पास पहुँच के आपसे फिर मुलाकात करते हैं और आपको कुछ रोड्स के व्यूज़ दिखाते हैं, और आगे जाके आपको मौका मिला तो मिनिस्ट्री भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, अभी देखते रहिए व्लॉग मेरे साथ ही आप लोग। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मिनिस्टर साहब को बुला लिया था प्राइम मिनिस्टर ने, इस टाइम पे अर्जेंटली मीटिंग कॉल की थी क्योंकि आज गवर्नमेंट का सेकंड लास्ट डे है, कल असेंबलीज डिसॉल्व हो रही है, तो अर्जेंट मीटिंग आ गई थी फिर प्राइम मिनिस्टर की जानब से, जो कि मुझे यहाँ पे आके मिनिस्ट्री में आके पता लगा है। तो अभी सीन्स ये हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा उनका, आई होप सो कि वो जल्द आ जाएंगे, नहीं तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं तो देखते हैं, अभी मैं कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकती उनसे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में फ़ोन्स वगैरह जो हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं। वेलकम बैक टू अनदर प्लेस ऑफ व्लॉग। आज अभी मैं आया हूँ जो कि फैसल मस्जिद, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मस्जिद। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता है इसकी, लेकिन इतना मुझे पता है कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मस्जिद इस्लामाबाद की तो ये सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका पाकिस्तान में कितना बड़ा रैंक है मस्जिद का। आपको कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस है और वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। वी हैव केम टू फैसल मॉस्क और बहुत अच्छा लग रहा है फैसल मस्जिद आके। इंच जैसे रूम को बड़े सालों बाद देख रहे हैं, काफी सालों बाद आ रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि मेरे बैक साइड पर फैसल मस्जिद है और आज मैं काफी अरसे बाद फैसल मस्जिद का विजिट करने आया हूँ। तो मैंने कहा कि फैसल मस्जिद को हम विजिट करते रहते हैं, हज़ारों बार इसके आगे से गुजरे हैं, लेकिन हमने इसका व्लॉग नहीं बनाया, आपको नहीं दिखाया। तो आज मैंने सोचा कि गुजरते यहाँ से व्लॉग बनाते जाते हैं और एक दो फोटोज़ भी लेते हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आज व्लॉग मैंने स्टार्ट किया फैसल मस्जिद का, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फैसल मस्जिद जो कि आलिशान मस्जिद है, इस्लामाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। फैसल मस्जिद और एक मार्केला हिल्स और एक संतोरा जो कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए थे और जैसा कि आपने देखा है कि हाँ व्लॉग कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है आप लोगों की नज़र में। तो बाकी देखते हैं, मिलते हैं आपसे आगे, हम और क्या क्या दिखाते हैं और आपसे क्या क्या बातें करते हैं। A few moments later. Welcome to another place of guys. अभी हम लोग आए हैं F7 गोल मार्केट। हाँ, F7 गोल मार्केट आए हैं, जहाँ पे मैं पहले भी यहाँ पे कोई 5 से 7 बार आया हूँ, तो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह है, मोस्ट फेवरेट मार्केट है, और क्योंकि इसकी खूबसूरती में बहुत अच्छी खूबसूरती है तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम गोल मार्केट आए हैं, तो यहाँ पे अभी हम सी जी सी का बर्गर खाने आए हैं, क्योंकि साथ ही लास्ट टाइम मैंने हॉडी ट्राई किया था वो भी अच्छा था, लेकिन सी जी का मैंने ट्राई नहीं किया हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि इसका भी बर्गर हमजा बता रहा था अच्छा होता है,
तो इस बार वो मैंने कहा ट्राई करते हैं, अभी आएगा तो आपके और आएंगे उसके भी कैसा होता है और कैसा आपको यहाँ के ज़रा कवर करके भी कहेंगे। और हमारे साथ भूख लगता बहुत लगी हुई है आपको, आज बहुत लगी हुई है बड़ी मुश्किलों से, इनका तल्ला मिलता है शुगर के। असल में हम आए बड़ी लेट है क्योंकि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था कि हम ऑर्डर नहीं ले सकते आपका, तो हमने उन्हें तल्ला कहा किया कि हम बड़े दूर से आए लेकिन भूखे हैं तो हमारा ये खाने का दिल है तो हमारा ऑर्डर लें, और उन्होंने दरख्वास्त हमारी मान के हमारा ऑर्डर रिसीव कर लिया, हम अपने ऑर्डर के वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बार शादन भी हैं। शादन क्या हाल है आपका? शादन ने शादन को आपने जब भी देखा ना इन्होंने भूख लगी हुई व्लॉग में यही कहा है तो शादन हमेशा भूख लगी हुई व्लॉग में यही पिछले व्लॉग से बोलता आ रहा है, तो फिर एक ब्लॉग है बर्गर आता तो फिर आता। इसे हमारा बर्गर आ चुका है जो कि अनफॉर्चुनेटली पैक्ड है पेपर में, वो मैं आपको खोल लो दिखा सकता हूँ कि नहीं खोलूँगा तो फिर मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मतलब फ़ोन यूज़ करने वाले नहीं होंगे। तो ये बर्गर आ चुके खा के आपको इसका रिव्यू देते हैं। फिलहाल मैं फ्राइज खाता हूँ, इट्स गुड फ्राइज, अच्छा फ्राइज है, तो खा के आपको देते हैं इसका रिव्यू। तो जी तो नाज़रीन मैंने बर्गर खा चुका हूँ, जी तो नाज़रीन मैं बर्गर खा चुका हूँ इस टाइम, और टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ CGC के बर्गर के हवाले से, वन ऑफ द बेस्ट बर्गर, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत तसल्ली सुकून से मैंने खाया। हमजा ने मेरे से सवाल पूछा कि मैंने बर्गर इतनी आराम आराम से क्यों खाया, मैंने कहा जो चीज़ मुझे मज़े की लगे ना मैं उसको तसल्ली से सुकून से आराम से मज़े ले लेके एक एक बाइट के मज़े लेके मैं उसको खाता हूँ जो चीज़ मुझे मज़े की लगे। तो बर्गर के रिव्यू 10/10 है, बहुत मज़े का था। फ्राइज़ इतने मज़े के नहीं थे क्योंकि फ्राइज़ मज़े के नहीं थे ना इतने, फ्राइज़ इतने मज़े के नहीं थे, और बर्गर का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त था। और हमज़ा को लगी हुई थी बहुत शदीद भूख एक बर्गर खाने के बाद, हमज़ा ने कहा कि मैं दूसरा बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ, तो दहातों में आप शादन भी खा चुके हैं और हमज़ा अपना दूसरा खा रहे हैं बर्गर, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, और इवन दोज कि ये डबल पैटी बर्गर हमने करवाया था फिर भी वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने दूसरा बर्गर किया ऑर्डर। हम दोनों ने एक एक डबल पैटी खाया, हम मैं तो उससे ही पूरा हो गया। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इसी के ही तो पैसे हैं। अभी आपने देख लिया है हमें बर्गर खाते हुए और रिव्यू भी ले लिया है CGC का, और मिलते हैं आपसे फिर बाद में किसी और जगह किसी और मकाम पे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए देखें आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर नाइट ऑफ व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पीछे से व्लॉग देखते आ रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा व्लॉग को देख के। और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ F8 में बैठा हुआ हूँ, मैं इस टाइम रियांस में बैठा हूँ, कुछ खाने पीने आए थे लेकिन हम खाने पीने नहीं आए थे क्योंकि हमारा मकसद F8 में कुछ और था। हमारा मकसद F8 में था जो कि मैं आपको बताता हूँ खाने के बाद बताऊँगा कि हमारा मकसद क्या था F8 में आने का, लेकिन आप लोगों को टाइटल देख के ही थोड़ा सा आइडिया वगैरह हो गया होगा कि हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या था। और रियाज के बर्गर का मैं रिव्यू भी दूंगा, रियाज का बर्गर मैंने आज से 6 साल पहले खाया था और 6 साल बाद आज दोबारा यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने सोचा कि ट्राई किया जाए और एक्सप्लोर किया जाए कि इसका टेस्ट वैसा ही है कि नहीं, खा के बताते हैं आपको जिस मकसद से हम यहाँ पे आए थे वो मकसद क्या था। तो जी नाज़रीन अभी हमने रियांस खा लिया, मैंने कहा था कि हम आपको रियांस खाने के बाद बताएंगे हमारा इधर आने का मकसद क्या था, हमारा F8 आने का मकसद ये था कि हमने क्या लिया, हम ज़्यादा तरफ लगाएंगे। जी इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि जी PS4 ले के दे, मेरे पास PS4 था तो खेल रहे थे, मैंने कहा चलो चले जाते एक शॉप है
बंदा जानने वाला, तो उसके पास आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया आज, इनको लेके दे दिया, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल गया है, बिल्कुल न्यू है। और बस आज मेरे पास अकाउंट है PS का, उसमें मैंने गेम्स परचेज की हुई हैं, तो वो मैं इनको दे दूँगा, तो इनको गेमें लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह इनका ये सिनेरियो PS इनके प्ले गेमिंग किया करेंगे, और अच्छी चीज़ है, गेमिंग अच्छी हॉबी है। मैं तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ PS2 के ज़माने से, तो बस ये छोटा सा मैं ब्रीफ बताना चाह रहा था। तो जी हमजा ने आपको सारी डिटेल में बता दिया कि हम इधर आए थे, असल में PS4 लेने आए थे, हमारे PS पहले भी था लेकिन 4 नहीं था, वो था 2 पड़ा हुआ था लेकिन वो बहुत पुराना था। तो हमने ले लिया, लेके हम वापस निकले हैं, और ये था इधर आने का हमारा मकसद। बाद में रियांस खाया हमने, बताया वो पहले खाया ना, पहले रियांस हमने इंट्रो की रोक कराया था ना, इधर क्यों आए हैं खाने। रियांस इस्लामाबाद का वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्राइड चिकन का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, 2001 से पहले हरूंस के नाम से था, फिर रियांस में उन्होंने नाम रख लिया। संडे वाले दिन 25% टोटल ऑफ होता है, और हर रोज रात 10:30 के बाद ऑफ होता है, तो काफ़ी अच्छा था रियांस। तो रियांस खाने के बाद मैंने कहा अब आपसे बताते हैं आपको हमारा फेट आने का मकसद क्या था। मकसद ये था, और आप जान आपको लग रहा होगा कि जैसे गाड़ी में हम दो लोग, लेकिन हमारे साथ पीछे शाज़म भी है, राणा शाज़म किंग। तो